हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो गाइस, जो आज है हम बायोलॉजी के पार्ट 6 यानी कि एक नए फ्रेश वीडियो के साथ आए। यहाँ पे आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके आरआरबी जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस जो है आने वाली एग्जाम है, जितने भी एफसीआई हो गए उन सब में जो है ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पूछाने के बहुत बहुत चांसेस है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर बार पूछाने वाले क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले 5 वीडियो को नहीं देखा है बायोलॉजी की, तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, वहां से जो है आप 5 वीडियो को देख सकते हैं। अगर गाइस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो जो है कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, तो हम जो है उस सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो गाइस, जो आज हम जो है बायोलॉजी के पार्ट 6 लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट के बारे में बात किए थे, तो आज जो है हम प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके उन सबके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जो है आज पार्ट 6 की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा गाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑस्मोसिस जो होता है उसमें क्या होता है। तो ऑस्मोसिस जो होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ऑस्मोसिस इन्वॉल्व डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लेस टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड। तो ऑस्मोसिस का काम क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर जो है वाटर जो होता है कम मात्रा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड साइड में डिफ्यूज होता है। उसके बाद चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका गाइज, यहाँ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट इज अ प्रोसेस। तो जो प्लांट जो होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो है वो आपकी है वाटर लॉस की प्रोसेस, यानी कि प्लांट में जो भी वाटर लॉस की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है गाइस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन सोइल वाटर दैट इज रेडिली अवेलेबल टू प्लांट रूट। तो कोई भी जमीन जिसके अंदर वाटर के लिए जो है प्लांट रूट के लिए पानी जो है पहले से ही अवेलेबल होता है उसे क्या कहा जाता है, उस वाटर को क्या कहा जाता है। तो उस वाटर को कहा जाता है कैपिलरी वाटर। याद रखिए गाइस कि जमीन के अंदर प्लांट को पानी, प्लांट के रूट को पानी चाहिए, तो इसलिए जो इजिली अवेलेबल और रेडिली अवेलेबल होता है सोइल के अंदर उस पानी को कहा जाता है कैपिलरी वाटर। ये भी आपका जो है एसएससी सीडीएस 2 में पूछा जा चुका है 2013 में। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस आपका क्या है, अ सेल प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन विल श्रिंक। तो कोई भी अगर हम सेल जो होता है उसको हम अगर नमक के पानी यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अगर रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है। उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह होती है आपका वाटर कम्स आउट बाय द ऑस्मोसिस। तो जो है आपका जो पानी जो होता है वो जो ऑस्मोसिस के कारण जो है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए जो आपका प्लांट जो है सिकुड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वैसलीन वॉज अप्लाइड टू बोथ द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट। अगर हम कोई प्लांट है उसके कोई पत्ता है यानी कि लीव्स है उसके दोनों बाजू अगर वैसलीन अप्लाई कर दे तो उसके कारण जो है कौन सी प्रोसेस अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस अफेक्ट होगी वैसलीन के कारण वो है आपकी कौन सी, एक तो रेस्पिरेशन जो है वो आपकी अफेक्ट हो जाएगी और दूसरी आपकी ट्रांसपीरेशन। ये दो प्रोसेस जो है आपके वैसलीन लगाने से आपकी अटक जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। ये भी आपका सीडीएस में पूछा जा चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन याद ये है आपका कि अ सेल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन विल श्रिंक। अभी आगे बात कर चुके हैं इसी क्वेश्चन की, देखिए ये दोबारा जो पूछा जा चुका है कि यहाँ पे अगर कोई भी सेल है उसको हम अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो क्यों श्रिंक हो जाता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि वाटर कम्स आउट बाय द फ्रॉम सेल बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है उसके कारण जो है पानी जो है प्लांट से बाहर निकल जाता है, इसके कारण जो है वो श्रिंक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल श्रिंक व्हेन इट इज प्लेस्ड। देखिए वापस से वही क्वेश्चन पूछा रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई सेल है वो श्रिंक क्यों होता है, तो उसकी आपके प्रोसेस क्या होती है। तो वो है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण, जो अगर उसको किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो जो है श्रिंक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ द एक्सटर्नल मीडियम इज। अगर कोई सेल जो है उसके वॉल्यूम में अगर बढ़ोतरी होती है, अगर वो सेल का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो उसे किस एक्सटर्नल मीडियम में रखा जाता है, तो उसे जो रखा जाता है मीडियम में वो है आपका हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू हो जाएगा कि अगर किसी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम में अगर किसी प्लांट को रखा जाता है तो उसका सॉल्यूशन, उसका जो वॉल्यूम होता है वो आपका बढ़ जाता है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन
पिगमेंट ऑफ लीफ, तो आपका जो लीफ होता है उसके जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें कौन सा आपका एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें आपका जो है गाइस मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ये याद रखिए, ये आपका सीडीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन जो पिगमेंट होता है लीफ के अंदर यानी पत्तों के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, तो वहाँ आपका मैग्नीशियम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन, कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है गाइस जो कि ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रांसपीरेशन के लिए जो है स्टोमाटा आपका रिस्पॉन्सिबल है। याद रखिए, ये पास सीडीएस में पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्लांट में जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो है आपका स्टोमाटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इलेवंथ क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो बरसात के समय में ड्यूरिंग रेनी सीजन डोर मेड अप ऑफ वुड स्वेल अप ड्यू टू द, अगर बरसात के सीजन में आपने देखा होगा कि लकड़ा जो है आपका फूल जाता है, आपके दरवाजे का लकड़ा फूल जाता है, वो किस वजह से होता है, तो वो जो है आपका गाइस यहाँ पे होता है इनबिबिशन के वजह से आपका जो है दरवाजे का लकड़ा जो होता है आपका दरवाजे का वुड आपका फूल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेसिव सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफन कॉज डेथ ऑफ क्रॉप प्लांट ड्यू टू, तो आपका क्या होता है कि कई बार आप जो है कोई भी प्लांट के अंदर ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो वो पौधा जो है जल जाता है, तो वो किस प्रोसेस के कारण होता है, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए एक्सोमोसिस। याद रखिए, एक्सोमोसिस जो है उसके कारण जो है क्या होता है, अगर आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर किसी प्लांट में डाल देते हैं तो प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो है एक्सोमोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो कोई भी प्लांट होता है उसके अंदर वाटर जो होता है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो जो है गाइस आपका जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये याद रखिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी प्लांट में वाटर जो है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वाटर जो है जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर अवेलेबल इन सोइल फॉर द रूट ऑफ द प्लांट, तो कोई भी प्लांट होता है उसके रूट के लिए जो सोइल के अंदर पानी अवेलेबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका आगे ही आ चुका है, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं, ये दो बार पूछा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कैपिलरी वाटर, तो कैपिलरी वाटर जो है जमीन के अंदर रहा हुआ पानी होता है जो आपके रूट को मिलता है प्लांट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लो इन द सोइल, जब कोई भी जमीन होती है उसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है अगर वो लो है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, तो वाटर जो है एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो गाइस इंक्रीज हो जाएगा। याद रखिए, अगर कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जमीन के अंदर बहुत ही कम है तो उसका जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16th क्वेश्चन क्या है, देखिए गाइस, प्लांट सेल कैप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अगर हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी प्लांट को रखते हैं तो क्या होता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी प्लांट को रखने से उसका जो प्लाज्मोलिसिड हो जाता है। याद रखिए गाइस, प्लांट सेल कैप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो कोई भी प्लांट को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके अंदर जो है प्लाज्मोलिसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट, अभी आगे बात कर चुके हैं हम कि कोई भी प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है, मैग्नीशियम जो है आपका ग्रीन पिगमेंट है, तो आपका पूछा गया क्वेश्चन द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें से पूछा गया कि नीचे से कौन सा ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो वहां पे आपका आ जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तो क्लोरोफिल जो है उसके कारण एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एग्जाम्पल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नीचे में से कौन सा एग्जाम्पल जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से, तो यहाँ पे गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपका जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल, ये आपका CDS में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 19th क्वेश्चन क्या है आपका गाइज, देखिए 19th क्वेश्चन है कि विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू द, तो विल्टिंग ऑफ प्लांट जो है वो किसके कारण होता है, तो विल्टिंग ऑफ प्लांट जो है आपका होता है किसके कारण, वो आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण विल्टिंग ऑफ प्लांट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस इन विच, कोई भी एक प्रोसेस जिसके अंदर लॉस ऑफ वाटर अकर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें क्या होता है, सपोज आप कोई भी प्लांट है उसके ऊपर वाले जो सब मान लीजिए ये आपका प्लांट है, तो जो है ये उसके ऊपर वाले एरियल पार्ट है, तो यहाँ से जो वाटर का जो यहाँ पे वेपर वाटर वेपर का जो है वेपराइजेशन होता है वो किस वजह से होता है, तो वो किस प्रोसेस की वजह से होता है, वो गाइस यहाँ पे आपका होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से जो है वाटर वेपर जो है लूज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपीरेशन
तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दरमियान जो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो आपके किस फॉर्म में होता है यहाँ पे गाइस, वो आपके होता है स्टोमाटा फॉर्म में होता है। याद रखिए कि मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दरमियान जो मैक्सिमम वाटर का लॉस होता है वो आपका स्टोमाटा फॉर्म में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन इज हाई अंडर, तो ट्रांसपीरेशन नीचे में से कौन सी कंडीशन के अंदर जो है हाई होता है, मतलब आपका वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपीरेशन जो है गाइस आपका ड्राई एनवायरनमेंट में भी हाई होता है, उसके बाद लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हाई हो जाता है, और हाई टेम्परेचर जब आपका होता है तो भी आपका हाई हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप, तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉप इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा के गुटेशन। तो गुटेशन जो है किसको बोलते हैं, कि वाटर जब है वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में लॉस होता है तो उसे हम बोलते हैं गुटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गाइस, ट्रांसपीरेशन हेल्प इन, ट्रांसपीरेशन जो है किसमें मदद करता है, तो ट्रांसपीरेशन जो है गाइज यहाँ पे आपका मदद करता है किसमें, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, तो ट्रांसपीरेशन जो क्या क्या करता है, तो मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन करने का मदद करता है, उसके बाद जो है एसेंट ऑफ सैप करता है, उसके बाद जो है वो ठंडक फैलाने का कूलिंग का भी काम करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका के मिनट पोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गाइज के मिनट पोर फाउंड, तो मिनट पोर फाउंड ऑन द सॉफ्ट एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली द लीव्स आर कॉल्ड, आपने कई बार देखा होगा कोई कोई पत्तों पे जो है आपको छिद्र देखने को मिलते हैं, तो वो किस वजह से होता है, तो वो जो होता है गाइज आपके किसकी वजह से होता है, वो आपका स्टोमाटा की वजह से होता है। याद रखिए कि कोई भी प्लांट के अंदर आपने छोटे छोटे पार्ट के अंदर आपने छिद्र देखे होंगे, तो वहाँ पे वो जो है स्टोमाटा के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दौरान जो है कितना प्रतिशत पानी जो है लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दरमियान कितना प्रतिशत जल जो है वो लॉस होता है, तो वो है 99% जो है आपका वाटर जो है वेपराइज हो जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है गाइस, देखिए कि द ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, तो ट्रांसपीरेशन जो है वो किसकी मूवमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है आपका मूवमेंट गार्ड सेल की जो आपकी मूवमेंट होती है उसके कारण रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ट्रांसपीरेशन इज डिफर फ्रॉम इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन आपका जो है इवेपोरेशन किससे किस तरह से डिफरेंट है, तो ट्रांसपीरेशन आपका इवेपोरेशन से डिफरेंट पड़ जाता है। किस फॉर्म में, आपका ट्रांसपीरेशन एक जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है गाइज आपकी ट्रांसपीरेशन जो है आपकी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। मतलब ट्रांसपीरेशन जो है उसमें क्या होता है कि पानी जो है नीचे से आपका जो है सारे ब्रांचेस में जाता है, तो वो एक उसकी प्लांट की एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जबकि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब कोई भी पानी जो है वो उसका बाष्पीभवन हो जाता है, वो जो है वेपराइज हो जाता है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। तो ट्रांसपीरेशन आपका इवेपोरेशन से इस फॉर्म में डिफरेंट पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे गाइस। 29 क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो आपकी वाटर मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। मतलब आपका जो है पानी जो है ग्रेविटी के हिसाब से तो नीचे आना चाहिए, पर इधर प्लांट में आपका क्या होता है कि ये प्लांट है मान लीजिए, तो यहाँ आपका पानी जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोमाटा, तो स्टोमाटा क्या है, तो स्टोमाटा जनरली ओपन ड्यूरिंग, तो स्टोमाटा जो है किस दौरान जो है वो खुल जाते हैं, तो स्टोमाटा जो होते हैं आपके डे टाइम यानी कि दिन के दौरान जो है आपके स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं, इसलिए वाटर का वेपराइजेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्लांट कूलिंग, तो प्लांट कूलिंग जो है आपका किस प्रोसेस के कारण होता है, तो प्लांट कूलिंग जो होता है प्लांट में आपने ठंडक जो होती है वो आपकी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण होता है, क्योंकि पानी जब ऊपर की तरफ चलता है तो वो जो है धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, इस वजह से जो है प्लांट आपका कूलिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर एक्सीडेशन थ्रू हाइड्रोथोर्स, तो हाइड्रोथोर्स के द्वारा जो आपका वाटर का एक्सीडेशन होता है वो किसके कारण, वो उसे क्या कहते हैं, तो वो जो है आपका है आपका यहाँ पे आइज आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है क्यूटेशन। क्यूटेशन यानी क्या होता है कि वाटर एक्सीडेशन थ्रू हाइड्रोथोर्स, तो हाइड्रोथोर्स के द्वारा जो एक्सीडेशन होता है वाटर का उसे कहा जाता है क्यूटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइड्रोथोर अकर ऑन, तो हाइड्रोथोर जो है किसमें अकर आता है, तो हाइड्रोथोर जो होता है आपका किसके अंदर प्रोसेस होती है, ये आपके लीव्स के अंदर प्रोसेस होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन अकर्स इन, तो आपका सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन जो होता है वो किस पार्ट में होता है, तो आपका मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन यहाँ पे होता है गाइस किस पार्ट में, आपका वो होता है मेसोफाइटिक प्लांट में ही, आपका जो होता है मेसोफाइटिक प्लांट में जो है मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्विंग कैप्ट इन वाटर
हैविंग सम सॉल्ट रिमेन फ्रेश फॉर द लॉन्गर पीरियड. तो कोई भी एक प्लांट जो होता है वो उसमें जो वाटर जो होता है तो वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है. तो ऐसा इसका कारण क्या है गाइज? तो इसका कारण जो होता है वो ये है कि उसमें जो है ट्रांसपीरेशन रेट जो होता है डिक्रीज हो जाती है. ट्विंग कैप्ट इन वाटर हैविंग, सपोज आपने कोई भी प्लांट के अंदर आपका वाटर है उसके अंदर आपका सॉल्ट अगर है तो वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि वाटर के कारण जो आपका ट्रांसपीरेशन रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रांसपीरेशन मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. तो वो है आपका यहाँ पे पोटोमीटर. तो याद रखिए पोटोमीटर जो है ट्रांसपीरेशन मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू. तो प्लांट में जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है. तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका स्टम्प के द्वारा. तो उसके सॉरी उसके जो है आंसर आपका ऑल द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट यानी कि जो ऊंचाई वाले पार्ट होते हैं उनके द्वारा जो है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है. उसके बाद ये आपका आरआरबी मुंबई में और भोपाल में पूछा जा चुका है. तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंडीशन इन विच रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज. तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है, कब होती है. तो ये होती है जब आपकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आपकी अगर लो हो और टेम्परेचर आपका हाई हो तब आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेन फंक्शन ऑफ द लीव्स. तो लीव्स के आपको मेन फंक्शन बताने. तो लीव्स का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या होगा गाइज? तो लीव जो है उसका मेन फंक्शन है आपका यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन करने का. तो आपको बता दूं कि लीव्स जो होता है उसके दो ही मेन काम होते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने का और दूसरा उसका ट्रांसपीरेशन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट अकर इन द रीजन ऑफ. तो आपका जो वाटर जो होता है जब कोई भी रूट होता है वाटर को अब्सॉर्ब करता है तो वो किस भाग में होता है. तो वो जो है आपका होता है यहाँ पे रूट हेयर्स द्वारा. याद रखिए रूट हेयर द्वारा है वाटर को अब्सॉर्ब किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी का जो मैक्सिमम यूटिलाइज होता है वो किसके द्वारा होता है. तो सोलर एनर्जी का जो मैक्सिमम फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे उस होता है आपका ग्रीन प्लांट के द्वारा जो है मैक्सिमम फिक्सेशन होता है. ये आपका SSCGL में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन क्या है? तो नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग. तो नाइट्रिफिकेशन कैसी प्रोसेस है? नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है गाइज जहाँ पे आपको एमोनिया को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. तो नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है. SSCGL में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट. नीचे में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपका सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है परंतु फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता. तो ऐसा देखिए चारों में से कौन सा ऐसा है, तो वो आपका हो जाएगा साइकस. साइकस जो है एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है परंतु फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस देखिए कि द एलिमेंट नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिशन फॉर प्लांट. तो प्लांट जो होता है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए उगने के लिए. तो उसके जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो नीचे में से कौन सा ऑप्शन होगा जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो वहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा द नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. याद रखिए कि प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको ये तीन एलिमेंट जो है आपको चाहिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये तीन एलिमेंट आपको चाहिए. ये आपका SSCGL में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 45th क्वेश्चन क्या है देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इन नीचे में से किसका है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट. याद रखिए क्लोरोप्लास्ट जो है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोवाइड करता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर किसके द्वारा होती है अगर आपको पूछा जाए तो वो आपका प्लांट के द्वारा होती है. और जो है चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन चारों ऑप्शन में है क्लोरोप्लास्ट का. ये आपका SSCGL में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी फॉर एसेंट ऑफ सैप वॉज गिवन बाय. तो सैप की जो एसेंट ऊपर चढ़ने की सैप की जो एसेंट की आपकी थियरी है सबसे एक्सेप्टेड थियरी कौन सी है यहाँ पे. तो सबसे एक्सेप्टेड थियरी दी गई थी डिक्सन एंड जोली द्वारा. याद रखिए डिक्सन एंड जोली की सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है एसेंट ऑफ सैप की. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर. शुगर जो होता है आपका स्टार्च जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, उसके लिए क्या चाहिए. तो उसके लिए आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका हो जाता है
स्टोमेटल ओपनिंग, याद रखिए स्टोमेटल ओपनिंग जो है उसके द्वारा जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 48th क्वेश्चन क्या है देखिए, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो कोई भी ऑक्सीजन अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो वहाँ से जब आपका ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है तो किसके द्वारा बाहर निकलता है, किसके अंदर से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वाटर। तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका जो ऑक्सीजन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वाटर के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इज कंपोनेंट ऑफ, तो आपका जो है याद रखिए कि अगर प्लांट होता है वो आपका क्या होता है, प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के द्वारा लिया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है उसे रिलीज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन, कि द ड्वार्फ प्लांट, तो मतलब छोटे पौधे जो होते हैं कैन बी मेड टॉलर बाय अप्लाइंग, तो आप अगर मान लीजिए कोई छोटा पौधा है उसको अगर आपको बड़ा बनाना है तो उसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, तो उसके अंदर जो है आपको ऐड करना होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जो ड्वार्फ प्लांट होता है वो आपका टॉलर प्लांट बन जाएगा, एसएससी में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कम्स आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान इन नीचे में से कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है, आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गाइज आपका ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, कि फोटोसिंथेसिस में आपको बता चुका हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट एक्सेप्ट करते हैं और जो हमें बाहर निकाल के देते हैं वो है हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, नीचे आपको चार ऑप्शन दिए, आपको बताने के कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये गाइस आपका ट्रू है, मैं आपको बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है दिन के दौरान ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये भी आपका सही है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तीसरा है O2 इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देखिए गाइस ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ है O2 कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपका ट्रू है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53rd क्वेश्चन, द ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम, तो आपका जो ऑक्सीजन जो है किस में से रिलीज किया जाता है, ये देखिए ये क्वेश्चन अब भी आगे पूछा जा चुका है, तो उसमें आंसर आएगा आपका वाटर। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 और 2004 में पूछा जा चुका है, दो बार पूछा जा चुका है, एज वेल एज जो है रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फोटोसिंथेसिस इज फास्टेस्ट इन, तो आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो होता है किस दौरान सबसे फास्ट होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका रेड लाइट अगर आपकी है किसी लाल लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है इन चारों में से, तो फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर आपकी क्या प्रोसेस होती है कि लाइट एनर्जी जो होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब आप सूर्य की एनर्जी लेते हैं और उसके द्वारा जो है प्लांट जो होता है खुद की यहाँ पे खुद के लिए फूड बनाता है, तो यहाँ पे आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, आपकी जो लाइट एनर्जी होती है वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 56th क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस, कि वैन क्लोरोफिल अब्जॉर्ब लाइट इट गेट एक्साइटेड एंड एमिट, जब क्लोरोफिल जो होता है वो कोई लाइट को अब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और वो नीचे में से कौन सा क्या चीज़ जो है एमिट करता है, यानी क्या चीज़ जो है वो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन, तो प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, तो प्लांट जो होता है आपका गाइस वो आपका एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये आपका UPSC में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58th क्वेश्चन देखिए क्या है, कि फोटोसिंथेसिस ऑर्गन सेल फाउंड इन द प्लांट सेल, तो फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं किस प्लांट सेल में, वो आपके पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BPSC का पूछा जा चुका है, कि फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द लेंथ, या देखिए गाइज अब भी आगे आज जो पूछा था कि ग्रुप कोई भी प्लांट की अगर लेंथ को ग्रोथ करनी है तो इनमें से क्या रिक्वायर नहीं है, नॉट एसेंशियल, तो यहाँ पे आपको जो सोडियम जो है आपको नहीं चाहिए, बाकी ये तीन एलिमेंट जो है आपको यहाँ पे चाहिए प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60th क्वेश्चन, द
The plant growth regulators are small. Plant growth के regulator जो होते हैं वो small होते हैं, simple molecule होते हैं of diverse chemical composition. They are तो plants के जो growth regulator जो होते हैं वो size में क्या होते हैं small होते हैं, जो simple molecule होते हैं chemical composition के, तो वो नीचे में से कौन से ऐसे plant के regulator, तो यहाँ पे देखिए आपका option हो जाएगा answer B के indole compound होंगे, adherine derivative हो गए आपके, आपके carotenoids हो गए और आपके terpenes हो गए. आपका CDS में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको बताना है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसमें आपका कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, जैसा हम जानते हैं कि क्या करता है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एज वेल एज जो है आपको जो स्टार्च प्रोवाइड करता है और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, 6CO2 + 12H2O = 6H12O6 6CO2 और 6H2O. ये आपका EPFO में पूछा जा चुका है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे कि बिसाइड वाटर एंड द लाइट विच इज मोर एसेंशियल एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जो लाइट और वाटर के अलावा नीचे में से कौन सा एक और आपको रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. एक तो आपको पानी चाहिए, दूसरा आपको लाइट चाहिए, उसके अलावा कौन सा आपको अदर रॉ मटेरियल चाहिए. तो वहाँ पे आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका जरूरी होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड पर बेस्ड होती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अगर वाटर जो होता है उसको दो भाग में डिवाइड हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिसिस. याद रखिए फोटोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान वाटर जो होता है दो भाग में स्प्लिट हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64th क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. आपको बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, तो ये इस हिसाब से आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हर एग्जाम के लिए कि आपका गैस कौन सी ऐसी गैस है फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है. तो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहले स्टेप होता है कि आपका क्लोरोफिल जो होता है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है सनलाइट द्वारा. तो सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट जो है एक्टिवेट करती है किसको, क्लोरोफिल को. तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइज आपका कि एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है. देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये समझ सकते हैं कि आप ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो है क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर जो है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. देखिए ये क्वेश्चन भी कितना बार पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है प्लांट जो खुद का फूड बनाते हैं. तो वो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. ये भी आपका 44th BPSC में पूछा जा चुका है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन, तो जो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो किसके अंदर अकर होती है. तो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है आपकी ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट में होती है. ये आपका SSC ग्रेड 2004 में पूछा जा चुका है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल का क्या रोल होता है. तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है. तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, RRB में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये. उसके बाद चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका गाइज कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. देखिए ये आपका तकरीबन चार बार पूछा जा चुका है अभी तक के हमारे क्वेश्चन के अंदर. तो आपको पता ही होगा इसका आंसर. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोसेस में लिया जाता है. RRB चेन्नई में पूछा जा चुका है. देखिए गाइस ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली तकरीबन हर बार जो है बायोलॉजी में ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं. तो आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेने के, और आगे वीडियो में भी मैंने बहुत सारे, मेरे 5 वीडियो मैंने बायोलॉजी के प्रोवाइड कर दिए आपको, उसमें भी मैंने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा. तो आप जो वीडियो है उसे जाकर देख लीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट कंपाउंड विच इज फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान फर्स्ट कंपाउंड कौन सा फिक्स किया जाता है सबसे पहले. तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज. ये आपका RRB मुंबई में पूछा जा चुका है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 72nd क्वेश्चन क्या है देखिए कि नेम अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ग्लूकोज एंड फैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी. ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज और फैट जो होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गाइस आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है ग्लूकोज और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 73rd क्वेश्चन की तरफ, के
परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बाय हायर प्लांट. तो हायर प्लांट जो है उनके द्वारा कितनी लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है, तो उनके द्वारा 91% लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है और 99% आपका वाटर को यूज़ किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइज, यहाँ पे देखिए द कंपेंसेशन पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर. तो कंपेंसेशन पॉइंट एक ऐसी वैल्यू है, एक फैक्टर की ऐसी वैल्यू है जिसे जिसमें क्या होता है, देखिए उसका आंसर है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका कि कंपेंसेशन पॉइंट जो है एक फैक्टर की ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लीव्स आर ग्रीन बिकॉज, तो लीव्स जो होता है वो ग्रीन क्यों होते हैं, आपके पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो है डू नॉट अब्जॉर्ब बट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, क्योंकि वो जो है ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते परंतु उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से हमें जो है वो ग्रीन दिखते. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. 76 क्वेश्चन है कि मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द मोलिब्डेनम, जो आपकी डेफिशिएंसी होती है वो किसकी एक्टिविटी पर अफेक्ट करती है, तो वो जो है आपकी गाइस के नाइट्रेट रिडक्टर्स के पे भी अफेक्ट करती है, नाइट्रोजिनस पे भी अफेक्ट करती है, क्लोरेट रिडक्टर्स पे भी अफेक्ट करती है. मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लांट प्योरीफाई एयर ड्यूरिंग. तो प्लांट जो है कौन सी प्रोसेस के दौरान जो है एयर को प्योरीफाई करता है, तो प्लांट जो होता है एयर को प्योरीफाई करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन यूजली अकर इन द फॉर्म ऑफ, आपका ट्रांसलोकेशन कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसलोकेशन जो होता है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन, जो आपका कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन जो होता है उसका ट्रांसलोकेशन जो होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइज वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79th क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन में से आपको ट्रू सही चुनना है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी के फ्री एनर्जी जो होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी और में कन्वर्ट किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड जो है आपका होता है सीव ट्यूब और फ्लोम सेल के द्वारा होता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसका सीक्वेंस क्या है, प्रोसीड इन सीक्वेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस सीक्वेंस में होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका लाइट फेज होता है, उसके बाद आपका डार्क फेज होता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूछा चुका है एनडीए में कि इन प्लांट के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में किस गैस को रिलीज किया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच शुगर इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, जिस कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर शुगर को एनर्जी के लिए ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर शुगर को ऑक्सीडाइज किया जाता है जिसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस प्लांट के कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा रिलीज किया जाता है, और अगर आपको पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोस क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म, तो नीचे में से आपको चार प्लांट दिए, आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म को शो करता है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि शुगर क्रेन. तो शुगर क्रेन जो है एक ऐसा प्लांट है जो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म को जो है शो करता है, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एटीपी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटीपी का आपका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो एटीपी का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एटीपी क्या है, तो गाइस एटीपी आपका क्या है, तो एटीपी जो है आपका एक मॉलिक्यूल है विच कंटेन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, जिसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कंटेन किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ, आपका रेस्पिरेशन एक बार प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद आपकी एनर्जी जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, तो आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट की जाती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोथ द रेस्पिरेशन
एंड फोटोसिंथेसिस, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसके लिए दोनों के लिए क्या रिक्वायर है, तो दोनों प्रोसेस के लिए जो है आपका साइटोक्रोम्स जो है रिक्वायर है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साइटोक्रोम जो है दोनों प्रोसेस के लिए रिक्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, तो कोई भी सेल की एनर्जी करेंसी जो होते उसे वो क्या है, तो कोई भी सेल की एनर्जी करेंसी जो है वो आपकी हो जाती है एटीपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या, कौन सी साइट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइट ऑफ यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आपका हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलिज्म का यहाँ पे साइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन एक कौन सी प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन जो है गाइस यहाँ पे रेस्पिरेशन एक आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा जो है आप जो है बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 93rd क्वेश्चन आपका, 93rd क्वेश्चन है आपके, देखिए कि इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन गाइस क्या होता है कि फर्मेंटेशन एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95th क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंस्टेंटियस सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका इंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, नीचे में से चार ऑप्शन में आपका सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी वो है आपका ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नेट ग्रेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके दौरान 1 ग्राम अगर आपका मोल, 1 ग्राम मोल आपका ग्लूकोज है उसमें से आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके अंदर से आपका जो है 38 ATP आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन प्लांट एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, प्लांट के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो वो जो है आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 98 क्वेश्चन क्या है देखिए कि द डिफरेंट स्टेप इन रेस्पिरेशन आर कंट्रोल बाय, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट स्टेप होते हैं वो आप किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो वो जो होते हैं गाइस यहाँ पे आपके कंट्रोल किए जाते हैं एंजाइम्स के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके अंदर टेक प्लेस होता है, यानी किस प्रोसेस किस जो है इफेक्ट के अंदर होता है, तो वो आपका होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइज आपका देखिए कि रेस्पिरेशन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन जो होता है आपका वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अभाव में प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, वो किसके अंदर होती है, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है वो आपकी होती है ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट के अंदर जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनएरोबिक रेस्पिरेटरी फॉर्म, तो आपका जब शुगर जो होता है वो जो है इनकम्प्लीट एनएरोबिक रेस्पिरेटरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा होता है, तो ये जो है आपका होता है किसके द्वारा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है वो आपका शुगर जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, एनएरोबिक रेस्पिरेटरी फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पिरेशन इन द प्लांट, तो कोई भी प्लांट जो होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो कोई भी प्लांट जो होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है गाइस जिसके द्वारा हम जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे जो है एनर्जी को लिबरेट किया जाता है, तो ये जो है रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इन ग्लाइकोसिस, तो ग्लाइकोसिस जो है अल्टीमेटली क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज जो होता है उसको पाइरूविक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो ग्लाइकोसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो है पाइरूविक को ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के इन कर्ब साइकिल, तो कर्ब साइकिल क्या है, तो कर्ब साइकिल एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पाइरूविक एसिड जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन दोनों के ग्लाइकोसिस क्या है, ग्लाइकोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड के अंदर, परंतु कर्ब्स क्या है, तो कर्ब्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर पाइरूविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पानी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 105 क्वेश्चन है आपका अल्कोहल, तो अल्कोहल जो है किसकी प्रोडक्ट है, अल्कोहल जो है आपकी प्रोडक्ट है किसकी, वो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट है, याद रखिए अल्कोहल जो है आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेस्पिरेशन जो है वो किस में फाउंड किया जाता है, तो रेस्पिरेशन जो है किस सेल में फाउंड किया जाए, रेस्पिरेशन जो है आपका हर एक लिविंग सेल बोथ इन लाइट एंड डार्क जो होता है दोनों लिविंग सेल में फाउंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107, तो उसमें क्वेश्चन है आपका कि एरोबिक
तो आपका एरोबिक जो आपका है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका तीसरी बार पूछा जा चुका है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है किसके प्रेजेंस में होता है या फिर किसके एब्सेंस में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस अकर, तो कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस जो है वो किसके अंदर अकर होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस जो होते हैं आपके वो अकर होते हैं क्रिस्टो में। याद रखिए क्रिस्टे जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस अकर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपका एटीपी होता है गाइस वो लिबरेटेड और ऑक्सीडेशन ऑफ, तो एटीपी जो है आपका लिबरेट या ऑक्सीडाइज किया जाता है किसके अंदर से? ऑक्सीडेशन है वो आपका, ऑक्सीडेशन है आपका फैट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन उसका आपका फाइनल में आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलता है? तो वहाँ पे आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाइरूविक एसिड, तो पाइरूविक एसिड जो होता है आपको कोई भी प्रोसेस के एंड में जब आपको पाइरूविक एसिड मिलता है तो वो कौन से साइकिल के एंड में मिलता है यहाँ पे? तो पाइरूविक एसिड देखिए अभी आप बात कर चुके हैं हम इसकी भी कि पाइरूविक एसिड जो होता है आपको ग्लाइकोसिस प्रोसेस के एंड में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के विच वन यील्ड द मैक्सिमम एनर्जी, आपको यहाँ पर चार साइकिल दी गई है, आपको पूछा है कि किसके एंड में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है? तो वहाँ पे आपको जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टोर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसका स्टोर हाउस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका एटीपी का स्टोर हाउस है। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी का स्टोर हाउस है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और बताइए कि अगला जो है हम सब्जेक्ट कौन सा चालू करें। और आपको जो है हम रेगुलर बेसिस पे आपको बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक प्रोवाइड कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।